हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद गीता सागर। आजकल हम सभी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, ऐसे में ब्राउनी खाने का तो सभी का मन करता है, पर उसमें जो बटर, वाइट शुगर और फिर कंपाउंड डार्क कंपाउंड होता है उसमें भी डालडा होता है, तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो मैं आज एक बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो है ओट्स ब्राउनी, जिसमें हमने कोई वाइट शुगर नहीं डाला है, कोई बटर या ऑयल नहीं डाला है, और इसे मैंने ओट्स से बनाया है और जैगरी के साथ बनाया है। मैंने इसे कुकर में बनाया है, आप इसे ओवन में भी बना सकते हैं, बहुत ही हेल्दी बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें हमने कोई डार्क कंपाउंड का भी यूज़ नहीं किया है। इस रेसिपी में हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है वो आपके घर के पास के ग्रॉसरी शॉप में इजीली अवेलेबल होंगे, तो आपको ज़्यादा वरीड होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने एक बाउल लिया है, इसमें मैंने 1/3 कप जैगरी पाउडर डाला है और ये 2 टेबल स्पून पीनट बटर है, ये भी हमारे घर के आसपास आजकल बहुत ही इजीली मिल जाता है, सभी बच्चे इसे खा रहे हैं आजकल। तो इसे इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा मैं 1/4 कप मिल्क डाल रही हूँ। अगर ये मिल्क को आप आलमंड मिल्क से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये रेसिपी हमारी वीगन बन जाती है, तो जो लोग वीगन हैं वो भी इस रेसिपी को खा सकते हैं। मिल्क की जगह आलमंड मिल्क आप यूज़ कर लीजिए तो फिर ये वीगन रेसिपी हो जाती है। इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे साइड में रखते हैं। अब दूसरा मैंने एक मिक्सर जार लिया, इसमें मैंने 1 कप क्विकर ओट्स लिया, ये सिंपल कोई मसाला ओट्स नहीं है, प्लेन ओट्स है, इसे मिक्सर जार में मैं डाल रही हूँ। आप एज इट इज़ भी बना सकती हूँ, पर मुझे पसंद आया थोड़ा सा पाउडर करके। और 1 टीस्पून मैं फ्लैक्स सीड्स डाल रही हूँ, फ्लैक्स सीड्स मैंने रोस्ट नहीं की है, ये कच्ची है, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है ये। इन सबको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। यहाँ देखिए हल्का दरदरा भी है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं है, हल्का दरदरा है। तो ये जो जैगरी और मिल्क और पीनट बटर का मिक्सचर था, इसमें मैं इस पाउडर को डाल दूँगी। इस बीच हमने कुकर भी प्री हीट होने रख दिया है, आज मैं इसे कुकर में बना रही हूँ। और इसके साथ ही 2 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर डाला है और 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस है ये। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिल्क हमें थोड़ा सा कम लग रहा है, तो 1-1 टेबल स्पून करके मैं ग्रेजुअली डालती जाऊँगी, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक ही होती है, रनी नहीं होती है। पहले मैंने 1 टेबल स्पून मिल्क डाला है, इसे मिक्स कर लूँगी। ओट्स थोड़ा सा मिल्क एब्जॉर्ब भी करती है, तो थोड़ा और मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के लगभग, इसे भी मिक्स कर लेंगे। ऑलमोस्ट ये कंसिस्टेंसी है हमारी, देखिए इस तरह की होगी। अब इसमें मैंने 2 टेबल स्पून भर के चोको चिप्स डाले हैं, ये भी आजकल आराम से मिल जाते हैं। अगर ये भी नहीं मिलते हैं तो अमूल का जो डार्क कंपाउंड चॉकलेट होता है आप उसे ग्रेट करके डाल सकते हैं। ये ब्राउनी का मिक्सचर बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है, अब इसे हम साइड में रख देंगे। और टिन मैंने तैयार किया हुआ वो मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर मैंने 6 इंच का बेकिंग टिन लिया, स्क्वायर टिन है ये, और इसमें 2 पार्चमेंट पेपर मैंने लगा रखा है इस तरह से कि दोनों फ्लैप पकड़ के आप आराम से इसे ऊपर निकाल सकते हो। तो इसमें जो हमने बैटर बनाया था उसे मैं पोर कर दूंगी। और कुकर तो हमने पहले ही रख दिया था प्री हीट होने के लिए, तो कुकर प्री हीट हो रहा है। अगर आप ओवन में बना रहे हो तो OTG में मिडिल रॉड पे 170 डिग्री पे आप 35-40 मिनट्स के लिए बेक कर सकते हो, या फिर माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पर आप बेक कर लीजिए, या फिर मेरी तरह कुकर या कढ़ाई, कुछ में हैवी बॉटम की कढ़ाई भी आप यूज़ कर सकते हो बेकिंग करने के लिए। तो इस तरह से हमने सारा बैटर इस पे पोर कर दिया। अब इसे 2-3 बार टैप कर दीजिए और ऊपर से चोको चिप्स हमने डाला है। अब इसे मैं 35-40 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख दूंगी। आफ्टर 35 मिनट्स हमारी
ब्राउनी बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो गई है। हमने जो टूथपिक इसमें प्रिक किया था वो देखिए बिल्कुल क्लीन निकली है। इट मीन्स हमारी ब्राउनी पक के तैयार हो गई है। अब इसे मैं ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा मैं इसे डिमोल्ड करके इसे दिखाती हूँ। एक से डेढ़ घंटे के बाद ये हमारी ब्राउनी ठंडी हो चुकी है। अभी भी थोड़ी थोड़ी गर्म है। मैं इसे प्लेट में डिमोल्ड कर रही हूँ। देखिए कितने आराम से निकल रही है, नीचे का पेपर भी आराम से निकल रहा है। अब इसे मैं कट कर रही हूँ। बिल्कुल बहुत ही डिलीशियस सी फ्लेकी सी हमारी ब्राउनी बनके तैयार हुई है। बहुत ही यमी लगती है, बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हेल्दी भी है। इसमें कोई भी वैसे हमने ना शुगर डाला है ना मैदा डाला है। हेल्थ वाइज भी ये बहुत ही अच्छी है। यहाँ देखिए अंदर से मैं इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये हमारी ब्राउनी का टेक्सचर है अंदर से। तो फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने OTG में मिडिल रॉड बोल दिया है, मिडिल रैक होगा, सॉरी फॉर दैट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।